हरे कृष्णा थोड़ी सुधर गो हरि बोल हरे कृष्ण आवाज आ रही है हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण तमाल प्रभु और हमारे कहाँ गए सब भक्त को और हमारे सब हरे कृष्ण ओम ज्ञानतमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैरव सदृशानामुपावनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिका भगाकौ सङ्कीर्तनैकभितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ अजरे करुणावतारो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द सब एक हाथ कर दो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद प्रतिमा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शक श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप
सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर गत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हमारी आज एक बहुत शुभ तिथि है। आज का दिन श्री अद्वैत आचार्य ने इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए इनका नाम अद्वैत आचार्य। कहते इनका नाम अद्वैत आचार्य नाम क्यों पड़ा, बोले अद्वैत अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, जो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न। क्यों कि साक्षात महाविष्णु का ये अवतार है, है? महाविष्णु का अवतार है, इसलिए उनको अद्वैत बोले। आचार्य मतलब कहते आचार्य किसको कहते हैं, बोले आचार्य उसे कहते हैं कहते आतीनो आचीनो की जह शास्त्रार्थे आचार्य स्थापय तभी स्वयं आचरत जस्मात आचार्यस्तेन कीर्तितम्। आचार्य उसे कहते हैं जो अपना जीवन में आचरण करे और स्वयं बोले, ऐसे नहीं केवल बोलते हैं, नहीं, जो अपना जीवन में स्वयं आचरण करके दुनिया को शिक्षा प्रदान करे, इसलिए इनका नाम बढ़ गया अद्वैत अद्वैत आचार्य इनका नाम है। इसलिए कि जो अद्वैत आचार्य है कद हम इनको चरण में ऋणी क्यों है, कारण क्या, बोले कारण है श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले दया कर श्री आचार्य अद्वैत गोसाई तब कृपा बले चैतन्य कहते दया कर सी आचार्य अद्वैत गोसाई, कहते अद्वैत आचार्य जी आप हम सबको भर में कृपा करे, बोले क्यों, बोले तब कृपा बले पाई चैतन्य का, कहते आपकी कृपा से ही हमें ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आपका कृपा से ही मिले। इसलिए जिस समय श्री जैसे जगत में बेटा आने से पहले पिता बता जाते हैं ना, जैसे कृष्ण आने से पहले कौन आ गई, वसुदेव महाराज, नंद जसोदा आए, राम आने से पहले कौन आए, उनको कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आए, हैं? कि उसी तरह भगवान आने से पहले अपना गुरु वर्ग को जगत में भेज देते हैं आगे। इसलिए जब श्री अद्वैत आचार्य जगत में आए महाप्रभु से पहले, उन्होंने किया देखा, इतने उल्टा पुल्टा जगत में देखा, हैं? कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, ठाकुर का कोई नाम नहीं लेते हैं, इसलिए जो बड़े बड़े पंडित लोग उस समय जो गीता भागवत रामायण पढ़ने वाले केवल तर्क वितर्क, अगर गीता भागवत पढ़ते हैं वो आपस में केवल तर्क वितर्क आपस में करते हैं, हैं? इसलिए केवल जिस समय गंगा स्नान करते हैं कहते ना जस मरेत पुंडरीकाक्षम सब आया वेतर सूची, इसलिए केवल एक पुंडरीका के भगवान केवल नाम उसी समय ले लेते हैं, दूसरे समय में क्या करते, बोले बिल्ला बिल्लियों की शादी में लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कुत्ता कुत्ती एक तरफ में, कुत्ते की तरफ में कुछ लोग और कुत्ती की तरफ में कुछ लोग, और दूल्हा दुल्हनी बना करके उनको पालक में बैठा देते हैं कुत्ता कुत्तियों को, और उसमें लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, और क्या करते हैं, काली हैं, काली माँ की पूजा करते हैं और वहां पर बकरी को बलि देते हैं, ये शराब पीते हैं जी भर करके, और कोई भगवान का नाम धाम कुछ है नहीं, इसको देख करके अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हो, हैं? बोले लोग कर रहे हैं क्या, बोले ये कि दुखी किस लिए हुए, इनको दुखी होने का क्या जरूरत है, बोले इसलिए कहते ये श्री महाविष्णु की ये अवतार है। बोले महाविष्णु कौन है, बोले जिन्होंने माया के प्रति जब इन्होंने इखन करते हुए देखते हैं वो माया क्या करती है, गर्भवधार धारण करते हुए अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, हैं? ये सृष्टि करते है जगत का। अभी नियम है ना, जो बच्चे को जन्म देते हैं उसका क्या कर्तव्य, बच्चों को पालन करना, जन्म देने पर क्या कर्तव्य, बच्चों को लिखा पढ़ा सिखाओ, बढ़िया इंसान बना, अभी जन्मने वाले तो यही, इसलिए लेकिन वो कर रहे हैं क्या, जन्म तो इन्होंने ही दिया लेकिन इनका कर्तव्य भी पालन करना, बोले कैसे पालन करे, केवल क्या खाना पीना दे करके, बोले नहीं,
कहते ये तो एक ऊपर ऊपर से है, जो असली रूप में जो जीव को पालन करना भगवान की भक्ति देकर, भगवान की प्रेम को देकर, ये असली पालन पालन है। ऐसे नहीं केवल बच्चों को जन्म दिया, लेखा पढ़ा सिखा दिया और उसको नौकरी चाकरी करा दिया और शादी शुदा करवा दिया, बात हो गया, हमारे कर्तव्य पूरी हो गई। बोले नहीं, ये पालन तो है ही है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? अगर हम उनके भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाए तो कहते गुरु न सस्यात्, बोले गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो देवता देवता नहीं। हमें जो ये भवसागर से भगवान की भक्ति की उपदेश दे करके संसार से जो हमें तार नहीं देते हैं, है तो भाई बंधु पिता कुछ नहीं। इसलिए बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तेजी और कोटि वैरी संग यद्यपि परम सने। अगर जिनका प्रिय राम और सीता नहीं, कहते करोड़ों प्रिय होने पर भी उसका करोड़ों शत्रु मानकर उसको त्याग दे दो, शास्त्र के उसको त्याग दे दो। असली जो पालन है भगवान की भक्ति दे करके। इसलिए कहते सही से परम बंधु सही पिता माता, बोलो श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। सचमुच से जो हमें भगवान के चरण में हमें जो प्रेम दे दे, भक्ति दे दे, वही असली पिता बंधु भाई, वही असली भाई बंधु पिता है, हैं? इसलिए उन्होंने क्या देखा, दुनिया तो खा रहे पी रहे, हाँ खा को संसार की विषय में मस्त है, लेकिन कोई भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कोई भी भगवान का भजन नहीं कर रहे। वो पिता ना जगत को सृष्टि करते है ना, इसको देख करके तो बड़े दुखी हो गए, हैं? ये बड़े दुखी हो गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, कभी कभी इनको क्रोध आ जाता था, हैं? जैसे कभी अगर बच्चे गलत मार्ग में जाए, जो पिता माता खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, अगर पिता माता की बात नहीं सुने बेटा, कहते बेटा नहीं होने पर एक दूध, लेकिन बेटा अगर बात नहीं सुने ना डबल दूध है, कितना दूध है, डबल दूध है। इसलिए उन्होंने इस चीज को देख करके उनको इतना क्रोध आता था, भले अगर कोई भक्ति नहीं करेगा ना, दुनिया को इसलिए सृष्टि किया गधे सुअर कुत्ते जैसे खा पी करके जीवन को बिता, तो इसलिए थोड़ी सृष्टि किया है, इसलिए तो सृष्टि किया, मानव शरीर दिया कि भगवान की भक्ति करे भजन करे। इसलिए कभी कभी क्रोध आता था, भले क्या करूंगा, ये अगर भजन नहीं करेंगे ना मैं सुदर्शन चक्र लूंगा, ये सुदर्शन चक्र लेकर सबके सब इसको खत्म कर दूंगा, सबके सब इनको मैं खत्म कर दूंगा। कभी बड़े बड़े उनको क्रोध आता था, हैं? अभी उन्होंने देखा, ये देखा, अभी क्या किया जाए। लेकिन ये कौन है, महाविष्णु। कहते कलिजुग का युग धर्म क्या, बोले कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद। महाप्रभु जगत में आने का बहुत सारी कारण है, जो एक साधारण कारण है कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी उतर ही पारा। कलिजुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, इसलिए महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए इन्होंने ये युग धर्म को स्थापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा ये जो कलिजुग है ना, ये साधारण कलिजुग ही है नहीं, हैं? ये कलिजुग साधारण कलिजुग नहीं, ये कलिजुग को कहते हैं धन्य कलिजुग। इसलिए श्री श्री हैं लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं, के जाबी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलिजुग आचय इसलिए इस ये भजन में
लक्ष्मण दास ठाकुर कह रहे ये जो कलयुग, हम जिस कलयुग में आए, कलयुग में कोई आना नहीं चाहते, क्यों? जो कलयुग है, झूठ बेईमानी झगड़ा लड़ाई है संसार में, अशांति अशांति चलते रहते हैं, कलयुग में कोई आना नहीं चाहते। लेकिन अभी ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग में सत्य और त्रेता द्वापर युग का लोग भी है, जिसमें भगवान राम कृष्ण इसमें आए, उस युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। स्वर्ग के देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु हमें इसी कलयुग में जन्म दे। बोले क्यों? बोले जो धन्य कलयुग है, जिसमें श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि जी कलयुग में आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? क्यों कारण क्या? बोले ये कलयुग में दूसरे दूसरे युग में भगवत प्राप्ति का बड़ा कठिन मार्ग था। हजार हजार साल तक बिना खाए पिए, टांग को ऊंचा करके, सर को नीचा करके, चारों तरफ में आग जला करके, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, तभी भगवान मिलते थे। लेकिन ये कलयुग में कितना टाइम हो गया ना, बहुत दूर है, घर दूर है, तुम्हारे भी समय हो गया, साथ ही जाना, हम तो अकेला है, अकेले जाएंगे तो प्रसाद पाकर जाता है। ठीक है, इसलिए कभी ये कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों जन्म लेना चाहते? बोले इसलिए महाप्रभु केवल थोड़ी सी हाथ में ताली बजाते हुए, अगर थोड़ी सी हरि कीर्तन कर दिया ना, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं, महाप्रभु आसानी से वो प्रेम को दे देते। इसलिए बड़े बड़े देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। तुम लोग साधारण नहीं, बड़े बड़े देवता थे, पहले देवता थे ना, सत्य त्रेता युग में आए होंगे, हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रहा है। इसलिए ये धन्य कलयुग, इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जी ने देखा, मैं तो ये युग धर्म कलयुग का जो नाम संकीर्तन प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभु सच्चिदानंद गौर हरि, वो जो दुर्लभ प्रेम को देने वाले है, कभी वो प्रेम को मैं नहीं दे सकता हूँ, वो तो केवल महाप्रभु दे सकते है। उनका जो परिकर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, ये लोग ये प्रेम को दे सकते हैं, ये प्रेम का हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा महाप्रभु को मैं कैसे जगत में लाऊं, हैं? भगवान को अगर जगत में अवतीर्ण करने का सबसे सरल उपाय किया, तब उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढने लग गए। फिर उनको एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्रेण तुलसी चुलोक निवारण, उन्होंने श्लोक मिला, अगर कोई हृदय से अंतर हृदय से एक चूर प्याले गंगा पानी और उसमें एक तुलसी दल दे करके अगर ठाकुर को कोई अर्पण कर दे, हैं, कर दे, तो भगवान स्वयं उसका ऋणी से उऋणी होने के लिए अपना सर को खुजला लग जाते। हम सर कब खुजलाते हैं? जब बहुत ज्यादा ऋणी ग्रस्त हो जाते हैं ना, बहुत ऋणी हो जाते हैं। अभी वो ऋणी से उऋणी होने के लिए लोग क्या करते, भैया इतने ऋणी हो गया, हम ऋणी को कैसे उठा, सर खुजलाते हैं। इसलिए इन्होंने कहते हम इतने भगवान ऋणी बन जाते हैं, और ऋणी को उतारने के लिए भगवान सर खुजलाने लग जाते हैं। तब उन्होंने तुलसी गंगा पानी देकर के भगवान जो आह्वान किया, इसलिए महाप्रभु कहते हैं, सुतिया अच्छन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलम और नारायण ओंकारे। मैं तो गोलोक वृंदावन में सो रहा था, लेकिन ये अद्वैत आचार्य ने क्या किया, मेरे आसन को नारा मतलब हिला दिया, उन्होंने मेरे आसन को उन्होंने हिला दिया, उसकी वजह से जगत में मेरे को आना पड़ गया है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु बुलाए, इसलिए इनका एक नाम है गौर आना ठाकुर, मतलब जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में ले आए है। इसलिए अगर ये महाप्रभु को नहीं लाते तो अभी तक हम महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं करते, इन्होंने ही लाए महाप्रभु जगत में। इसलिए हम सबके सब इनके चरण में ऋणी हैं, सबके सब इनके चरण में
हम ऋणी है, इनकी कृपा से ही हमें महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले। इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर और एक भजन में कहते हैं, बोले एला गौर रस राधी कादंबी होए, एला गौर रस प्रेम इसमें कहते महाप्रभु के भजन में लोचन दास ठाकुर महाप्रभु का अलग अलग परिकरों ने उन्हें क्या क्या महाप्रभु का सेवा किया, उसने महाप्रभु लीला में उन्होंने क्या क्या दिया है। ये भजन में बड़े सुंदर रूप में ये भजन गाते हैं। अद्वैत आचार्य के लिए कहते हैं हुड़ हुड़ शब्द आयल श्री अद्वैत चंद्र। हुड़ हुड़ मतलब हुड़ समझता हूँ, जैसे आकाश में कोई मेघ फेंक कुछ है नहीं, हठात काल बैसाखी आई एकदम अंधकार कर दिया, इतने तेजी से बारिश आई ना वो सबको भिगा कर चला गया। कहते ऐसे ही श्री अद्वैत आचार्य कहां भगवान अक्सर करके जू का लास्ट में ठाकुर जी आते हैं, लेकिन कलयुग में जू का पहले श्री सचिनंदन गौर हरि बोले आए। बोले क्यों? श्री अद्वैत आचार्य की कृपा से इन्होंने एकदम हुरूर शब्द से हठात उन्होंने महाप्रभु रूपी बारिश को लाए और महाप्रभु आकर हमें अपना कृपा अमृत को द्वारा हमें भिगाया कृष्ण प्रेम में और महाप्रभु जगत से चले गए। इसलिए हुरू हुरू शब्द आई श्री अद्वैत चंद्र। इसलिए हम सबके सब इनकी चरण में हम ऋणी हैं, अगर ये नहीं आते तो महाप्रभु का कृपा हमें नहीं मिलता, महाप्रभु को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इनकी चरण में सबके सब ऋणी हैं। बस श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की इनकी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। हमारे सब वैष्णव लोग थोड़ी थोड़ी इनको विषय पर कुछ बोलेंगे। यहाँ पर श्री तमाल प्रभु जी, तमाल प्रभु हाँ अब थोड़ी सी सब लोग एक ही टॉपिक के ऊपर में सब लोग थोड़ी थोड़ी बोल आ जाए। अज्ञानतिमिदन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्तये नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नाम्ने। वंशकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंद जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधकंत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुषिते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्य श्रियाय केशवक्षिता कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवताये नमो नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे गौर प्रेम प्रदाने सीतापतये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी महाराज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अशंख कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। अभिन्न गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। अस्मदीय परमाराध्यतम परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टतर शतम श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण श्री महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद एवं मातृवृंद के चरणों में मेरा यथा प्रणाम स्वीकार।
आज बड़ा ही शुभ तिथि है, श्री अद्वैत सप्तमी तिथि है। अभिन्न गुरुपाद पूज्यपाद महाराज जी का यहाँ अहितुक कृपा है कि मैं तो सर्वथा अयोग्य हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ एक किंचित प्रयास के माध्यम से श्री अद्वैत प्रभु के चरणों में कुछ कृपा भिक्षा की प्रयत्न कर पाऊं। सर्वप्रथम कवि कर्णपुर जी लिखते हैं गौर ग्रंथ दीपिका में कि अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है, तो जहां पर लिखते हैं भक्त अवतार अद्वैत आचार्य श श्री सदाशिव। कौन है वे? साक्षात भक्त अवतार जो अद्वैत आचार्य प्रभु है वे ही श्री सदाशिव है, जो गोपीश्वर महादेव के रूप में काबर वृंदावन में राष्ट्र में प्रवेश करने का बड़ा ही प्रयत्न किए थे, किंतु राष्ट्र में उन्हें प्रवेश तो मिला नहीं, भगवान ने उन्हें द्वार पर बना दिया। और जिस अभिलाषा को पूर्ण हेतु पुनः वह प्रेमेंद्र ठाकुर गौरा जो प्रेम के साक्षात ठाकुर है, अर्थात राधा भाव दूति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी के अंग कांति एवं भाव को लेकर कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के प्रथम संध्या में आए, वैसे प्रेम के ठाकुर श्री गौर हरि की कृपा की प्राप्ति के लिए कि कृष्ण जो वस्तु दिया नहीं वह वस्तु श्री राधा भाव द्वित शुभलितम श्री चैतन्य महाप्रभु वह अनायास ही जीवों को प्रदान करते हैं, अतएव मुझे भी वे उस अमूल्य प्रेम को वे प्रदान कर देंगे। उसी अभिलाषा से जो गोपेश्वर महादेव साक्षात सदाशिव श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आए हैं, जहां पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंगल जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम, मंगल गुणधाम कि जगत के जो जगत के मंगल स्वरूप जो अद्वैत प्रभु है, जो मंगल का गुणधाम है, मंगल चरित्र सदा, जिनका चरित्र कैसे है परम मंगल है, और मंगल जार नाम, जिनका नाम कैसे है, जिनका नाम परम मंगल है। जिस प्रकार से हम लोग गंगा जल में स्पर्श करने से अथवा स्नान करने से आत्मन करने से हम लोग पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जल साक्षात ब्रह्म द्रव है, भगवान के चरणों से अर्थात भगवान के चरणों देते हैं। तो उसी प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य प्रभु कैसे हैं, वे परम पवित्र है, परम मंगलमय है, जिनका नाम जिनका गुण जिनका महिमा सब कुछ मंगलमय है, क्योंकि वे जगत जीवों के आर्त को देखकर दुख को देखकर जब जगत जीवों के दुर्दशा को देखे तो उनके हृदय द्रवित हो गए, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय कैसे है नवनीत के भांति, उससे भी नवनीत तो अर्थात मक्खन ताप देने पर पिघल जाते हैं, लेकिन संतों के हृदय दूसरों के दुख देखते ही अपना पिघल जाते हैं। जगत जीवों के दुख को देखकर श्री अद्वैत आचार्य प्रभु तुलसी दल मात्र जलस चुलिके न, अर्थात तुलसी दल एवं गंगा जल के माध्यम से महाप्रभु को आह्वान किए। आगे श्री चैतन्य चरितामृत में कविदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि उनका नाम अद्वैत आचार्य प्रभु क्यों है, उसका अर्थ क्या है, तो जिसके बारे में लिखते हैं वैष्णव गुरु ते हो कि वे कौन है, वैष्णवों के गुरु है, जगतेर आर्जो जगत के श्रेष्ठ पुरुष है, अर्थात तीन जो पुरुष अवतार है महाविष्णु, महाविष्णु के जो अवतार है वे एक श्रेष्ठ पुरुष है जगतेर आर्जो। और आगे कृष्णदास कविराज ठाकुर लिखते हैं कि यही द्वि नाम मिलने होइलो अद्वैत आचार्यो, ये दोनों नाम मिलने पर जो के कौन है वैष्णव का गुरु है जगत का आर्य है, ये दो नाम मिल जाने पर श्री अद्वैत आचार्य नाम बनते हैं। इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी और हमारे अन्य आचार्य ने भी बतलाए हैं कि अद्वैत कहने से श्री हरि से अभिन्न तत्व होने के कारण वे अद्वैत है, ना अद्वैत इति अद्वैत, एवं
आचार्य अर्थात जो भक्ति शिक्षक है, भक्ति की शिक्षा सबको प्रदान करने वाले देने वाले हैं। जहां पर शास्त्र में कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि आचार्य शब्द की व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, आचीन होती या शास्त्रार्थम आचार्य स्थपयते भी स्वयं आचार्य यस्मत आचार्य स्तन कृपिता, जो शास्त्र के गुण विचारों को स्वयं आचरण करते हैं एवं उसमें सबको प्रतिष्ठित कराते हैं, जो तत्ववित एवं आचारवान है वही आचार्य है। श्री अद्वैत आचार्य जी के जीवन में हम लोग उनके एक प्रसंग में जहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कि वैष्णवों में कोई कुल जाति आदि का विचार नहीं है, जय भज सही बड़ो अभक्त हिंसार कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार, जे भजते हैं वही सबसे बड़ा है भाई। और कृष्ण भजन में किसी प्रकार के जाति कुल आदि का विचार नहीं है, जो भजते हैं वही सबसे बड़ा है। तो इस साक्षात वे अपने जीवन में किस प्रकार से आचरण करके दिखलाए हैं, क्योंकि वे कौन है, वे भक्ति शिक्षक है, इसी कारण से उन्हें आचार्य कहलाते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी जब फुलिया अर्थात शांतिपुर के समीप ही फुलिया ग्राम है, फुलिया ग्राम में आके जब श्री हरिदास ठाकुर जी रहने लगे, हरिदास ठाकुर जी वहां पर एक गुफा में निर्जन स्थान जहां पर एक गुफा में वे रहते थे और हरिनाम सेवा में सदैव मत रहते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी अद्वैत आचार्य जी के आग्रह एवं प्रार्थना से उनके गृह में नित्य प्रति भिक्षा ग्रहण करते थे। तो किंतु श्री हरिदास ठाकुर जी के मन में बड़ा ही एक कि मैं उनके मन में एक संकोच भाव था कि मैं निज कुल में आया हूं और मैं कैसे अद्वैत आचार्य प्रभु के घर में जाकर, वे इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके गृह में जाकर नित्य प्रति कैसे मैं भिक्षा ग्रहण करूं। जहां पर अद्वैत आचार्य प्रभु किस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु जहां पर कि वैष्णव अर्थात कृष्ण भजन में किसी प्रकार का जाति कुल आदि का विचार नहीं है, जब एक दिन श्राद्ध का समय उपस्थित हो आया तो श्राद्ध पात्र श्री हरिदास ठाकुर जी को वे प्रदान किए। श्राद्ध पात्र कहने से जब ग्रस्त वैष्णवगण उनके गृह में श्राद्ध का कार्य आते हैं, किसी का भी श्राद्ध हो तो वे समस्त सामग्री को पहले भगवान को अर्पित करेंगे, फिर उसके पश्चात वैष्णव या ब्राह्मणों को प्रदान करेंगे, वह श्राद्ध पात्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्राद्ध पात्र श्री हरिदास ठाकुर जी को सर्वप्रथम उन्हें श्री अद्वैत आचार्य प्रभु प्रदान किए। किंतु हरिदास ठाकुर कैसे हैं, त्रिनादपि सुनिचन श्लोक में संपूर्ण रूप से निष्णात हैं। श्री हरिदास ठाकुर बड़े ही संकोचवश तो अद्वैत प्रभु कहने लगे, उनके भाव भंगिमाओं को देखकर कहने लगे, अद्वैत आचार्य जो प्रभु कहे ना करी हो भाई, हरिदास ठाकुर अब किसने संकोच कर रहे हैं, अब क्यों भयभीत हो रहे, अब संकोच मत कीजिए। और अद्वैत प्रभु कहने लगे, मैं वही करूंगा जो शास्त्र सम्मत है, मैं शास्त्र के विपरीत कुछ भी करूंगा नहीं, जो शास्त्र सम्मत है मैं वही करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और आगे कहने लगे कि आपको भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मणों की भोजन हो जाते हैं। और इस प्रकार बोल के श्री अद्वैत आचार्य प्रभु वह श्राद्ध पात्र श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रदान किए। अर्थात तो साक्षात भक्ति शिक्षा के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किसी प्रकार के भगवान के भजन में जाति कुल आदि का विचार नहीं है, तुम इस जाति को तुम ऐसे हो वैसे हो किसी प्रकार का विचार नहीं है, जो हंसते वही सबसे श्रेष्ठ वही सबसे बड़ा है। जहां पर नाम अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपचा प्रिय तस्मय देयम तथा भयम सच पूज्य अथा ही आहम, कि शास्त्र में यह वर्णन आता है चारों वेदों में परंगत होने पर भी वह ब्राह्मण यदि भगवान के भजन नहीं करते हैं और जो किसी प्रकार के
वेद आदि के किसी प्रकार के शास्त्र आदि कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के भजन करते हैं। जो नीच कुल के भी है, नीच कुल में जन्म लिए लेकिन भगवान के भजन करते हैं, स्वपचा गृहम, किंतु वही मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वे मेरे भक्त हैं। और वही यथार्थ दान पात्र और ग्रहण पात्र है। सच पूज्य यथा ही अहम, वो मेरे जैसे पूज्य है। जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ, उसी भांति ही मेरे वहां भक्त भी सबके पूज्य है। साक्षात हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु साक्षात इसे आचरण करके यदत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना शायद प्रमाण कृते लोक तद अनुवर्तते। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जो श्रेष्ठ महापुरुष का आचरण करते हैं, उन्हीं को देखकर अन्य लोग भी उसी प्रकार से आचरण करते हैं। और तो इसी प्रकार से श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने हर एक समय आचरण करके दिखलाए, हर एक समय सबको यह दृढ़ विश्वास सबके हृदय में जागृत किए कि तुम लोग चिंता मत करो, कृष्ण को मैं यहाँ पर ही तुम लोगों के सम्मुख लाऊंगा, तुम लोग चिंता नहीं करना, एक दिन तुम लोगों का यह दुख दूर होगा। और उस प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु सदैव जो कृष्ण भजन में कृष्ण कीर्तन में सदैव उन्मत्त रहते थे एवं सबको भी वे चाहते थे सभी कृष्ण भजन में लगे। तो ये तो साक्षात महाविष्णु का अवतार है, सदाशिव है, किंतु वे तो उस समय जगत जीवों का जो दुख था उसे हरण कर सकता था, दूर कर सकता था, महाप्रभु को क्यों बुलाए फिर? ये प्रश्न आ जाते हैं, क्या बुलाने की क्या जरूरत था? तो यहाँ पर हमारे वैष्णवगण उदाहरण देते हैं कि जब कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन अथवा कुछ भी क्रिया को करते हैं, किसी पेशेंट को देखते हैं, उनसे यदि बन ना पाए, उनसे यदि हो ना पाए, वे अपने से स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर उनको बुलाते हैं, उनको बुलाते हैं। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य प्रभु उस समय के जगत जीवों के दुर्दशा को देखे और वे सोचने लगे इन जीवों पर तो एकमात्र कृपा वही कर सकता है जो महावदन्य है, परम दयालु है, जो बिना हेतु के दया कर देते हैं, अर्थात जो हेतु की कृपा कर देते हैं बिना हेतु के। अतः वे अपने इष्ट देव को अर्थात साक्षात कृष्ण को उन्होंने प्रार्थना की तुलसी दल एवं गंगा जल के माध्यम से। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु उनके जीवन हर एक संत किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्रदान किए। और एक घटना हमें देखने से यहाँ अद्वैत आचार्य प्रभु की पंचाकल प्रत्यानं पावने भूमेश्वरस्य नमः। हरे कृष्णा। हाँ, अभी तमाल प्रभु जी बोल रहे थे ना, जब उन्होंने साधक का समय में जब श्री हरिदास ठाकुर जी आए, उसमें एक नियम है। क्या नियम है? श्राद्ध का जो पहला पात्र है कोई विशेष जो बड़े व्यक्ति को देनी चाहिए। अभी अद्वैत आचार्य जो सोच रहे भैया दूं तो किसको दूं? अद्वैत आचार्य जो भी ब्राह्मण घर में है, घर जन्म वहां पर बड़े बड़े सब ब्राह्मण लोग आए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो श्राद्ध पात्र का जो पहला जो पात्र है ना, वो जो बड़े बड़े ब्राह्मण आए होते उनको नहीं दिया, उनने दे दिया हरिदास ठाकुर जी को। हरिदास ठाकुर जी कौन सा कुल में जन्म हुए? मुसलमान घर में जन्म लिए। जब उनको दे दिए, जितने सब ब्राह्मण थे ना बिगड़ गए, बोले हमें क्या ये अपमान करने के लिए हम बुलाए थे? यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, आप तो उनको दिया ही नहीं, और एक नीचे जाती है एक व्यक्ति, उनको ही श्राद्ध पात्र आपने खिला दिया, सबके सब बिगड़ गए उन्होंने, हैं? सबके सब बिगड़ गए। लेकिन अभी प्रश्न है, फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर को क्यों दिया? तो वहां पर कहते हैं, तुम्हारे खावाई लहाय कोटि ब्राह्मण भोजन, अतएव श्राद्ध पात्र कराई भोजन। उन्होंने बोले अगर एक वैष्णव को अगर आपने भोजन करा लिया ना, बोले कोटि ब्राह्मण भोजन, कहते एक ब्राह्मण नहीं, कितने ब्राह्मण का भोजन हो जाता? बोले करोड़ों ब्राह्मण का भोजन हो जाता है जब एक शुद्ध वैष्णव को जब आप भोजन करा देते हो, हैं? क्योंकि ठाकुर जी का निवास कहाँ पर है? ठाकुर जी का निवास संतों की हृदय में, भगवान का निवास है। अभी जितने ब्राह्मण थे ना बिगड़ करके भाग गए, छोड़ दिए, बोला हमें क्या अपमान करने के लिए बुलाया था तुमने? जब सारे ब्राह्मण वहां से छोड़ चले गए ना,
इतने भी जितने ब्राह्मण गए, अपराध किसको चरण में हुआ? एक तो अद्वैत आचार्य चरण में अपराध हुआ, और एक हरिदास ठाकुर जी कौन है? हरिदास ठाकुर कौन थे बोलो तो? ब्रह्मा। और कौन? और प्रहलाद महाराज। सब कथा को याद करना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए हम चाहते हैं सब कथा को अच्छे तरह से सुनो और याद करो, ऐसे नहीं आए बैठ और चले गए। कथा को अच्छे तरह से याद करना और अड़ोसी पड़ोसियों को भी प्रचार करना, ठाकुर को भक्ति में सबको भी खुद भी भजन करना और सबको भी भजन में लगाना। कहते प्रहलाद और हरिदास, प्रहलाद और ब्रह्मा, ये दोनों मिल करके श्री हरिदास ठाकुर जी हुए। इसलिए वो दोनों परम वैष्णव, ब्रह्मा तो हमारे आदि गुरु और भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद, ये दोनों मिलकर के। और अद्वैत आचार्य महाविष्णु जब छोड़कर चले गए ना, इनकी सब वैष्णव चरण में अपराध हो गया, भगवान और भक्त चरण में अपराध हुआ ना, सबके सब हो गया कलेरा, डायरिया हो गया सबके सब, बाथरूम से कहीं निकल नहीं पा रहे ऐसे कलेरा हो गया सबको। वो समझ गए भैया हमने इनकी चरण में हमने अपराध किया है, इनकी चरण में अपराध किया। सबके सब आकर के इनकी चरण में माफी मांगे। जब माफी मांगे, जब ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे भोजन के लिए, जब अद्वैत आचार्य ब्राह्मण को भोजन करा रहे थे, इतने में उनका पत्नी सीता ठाकुरानी पीछे से जब आई, उनके दो हाथ से, एक हाथ से बाल्टी और दूसरे हाथ से चम्मच पकड़ करके कलछी में भोजन कर रहे थे, जब उनको पत्नी आई ना, सबके सब लोग देख रहे थे, उनका दो हाथ तो था और पीछे और दो हाथ देखा, चार ही हाथ उन्होंने देखा। सो ब्राह्मण लोग चार ही हाथ देख करके ना, कौन है ये महाविष्णु है ना, है ये कारण दर्शाए विष्णु, कहते महाविष्णु ये है। इसको देख करके समझ गए भैया ये अद्वैत आचार्य कोई साधारण जीव नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं। सबके सब उनके चरण में माफी मांगे सबके सब, अद्वैत आचार्य की इतने महिमा। अभी हमारे बीच में श्री श्यामानंद प्रभु जी, वो भी थोड़ी सी उनकी एक एक विषय पर सब एक एक बोला। आ जाओ रोहिणी नंदा है क्या, पकौड़ा बना रहे? हाँ इधर आ जाओ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैताराधन शिवाशादिशिवोद्भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर हृदय श्री रामचरित गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण में साष्टांग नतमस्तक प्रणाम करते उनका हेतु की कृपा वंचित करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर भक्ति श्रीरुक्ति धामी गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में साष्टांग नतमस्तक प्रणाम करते उनका हेतु की कृपा वंचित करता हूँ। स्वपाल सद प्रभुपाद चरण में साष्टांग नतमस्तक प्रणाम। स्वपाल सद सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु, आज जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है, श्री अद्वैत आचार्य ठाकुर के चरण में साष्टांग नमन प्रणाम। स्वपार्षद राधा विनोद बिहारी जी, राधा गोविंद जी, जुगल किशोर सरकार जी, चरण में साष्टांग नमन प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव सतीर्थ गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद समस्त चरणनाथों का दशा जी के दंड प्रणाम स्वीकार। एक एक चीज तो हमको पता लग ही गया कि आज का तिथि कुछ साधारण नहीं है, ये बड़े विशेष है हम गौड़ीय वैष्णव के लिए। जो पंच तत्व हमारे जो आराध्य उपास्य पंच तत्वों में जो एक तत्व है श्री अद्वैत आचार्य का आज शुभ प्राकट्य तिथि है। इनको बोला जाता है कि गौर आना ठाकुर, क्योंकि इन्होंने अभी किस प्रकार पूज्य पाठ हमारे तमाम प्रभु बता रहे थे, गुरुदेव बता रहे थे कि इन्होंने महाप्रभु को स्तुति किया और महाप्रभु
सुतिया अचिनवामी खीरा समुद्र सागरे निद्रा भंग हलामा नाड़ा रहूं करे। किस प्रकार महाप्रभु बोलते हैं, मैं तो सो रहा था लेकिन ये अद्वैत आचार्य के कारण से मेरा निद्रा भंग हो गया और मैं इनके पुकार से यहाँ बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए आ गया। तो ऐसे जो ठाकुर है जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है, जो हम लोग अभी देखो कंठी तिलक धारण कर रहे और हरिनाम कर रहे हैं, ये सब का मूल जो आदर्श कौन है, श्रीमन महाप्रभु। हमारे जो संप्रदाय के जो मूल है कौन है, श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु। तो इनको श्रीमन महाप्रभु को जिसने लाया वो सबसे उनसे भी क्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार का आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। और दूसरे तरफ अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन गया, तो लॉकडाउन में कुछ दिन पहले लॉकडाउन गया तो लॉकडाउन में कोई कोई दुखी हुए और कोई कोई सुखी हुए। तो जो जागतिक लोग हैं वो तो बड़े दुखी हुए लेकिन जो भक्त लोग हैं वो बड़े सुखी हुए। किस प्रकार, क्योंकि उनको हरिनाम करने में जो समय नहीं मिल पाता था उनको हरिनाम करने में समय मिल गया। कोई ग्रंथ अध्ययन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था, उसको ग्रंथ अध्ययन करने का समय मिल गया। कथा सुनने सबसे बड़े बात तो हमारे गुरुजी पुरी पे गए और गुरुजी ने बड़े मुश्किल से बड़े कष्ट करके, गुरुदेव बताते कि बड़े कष्ट करके तीन ग्रंथ विशेष करके तीन चार ग्रंथ के ऊपर एक नोट लिखा था, चैतन्य भागवत और बृहद भागवतामृत और श्रीमद् भागवतम के दसवां स्कंध प्रथम से लेकर दसवां स्कंध तक सार लिखे और हर गुरुवर्ग की तिथि, ये चार चीज गुरुजी ने लिखे थे। लेकिन गुरुवर्ग की तिथि जिस प्रकार आता है गुरुजी बोल लेते थे और भागवत जी जिस प्रकार भागवत गुरुदेव बोलते ही है, लेकिन जो चैतन्य भागवत ये विशेष रूप में पाठ नहीं हो रहा था और जो बृहद भागवतामृत, लेकिन ये लॉकडाउन में ऐसे कृपा किया कि गुरुजी वहां 6 महीने रुके और 6 महीने में जिस दिन गुरुदेव वहां पे रुके उस दिन से शुरू कर दिए चैतन्य भागवत और जिस दिन गुरुदेव आए उससे एक दिन पहले ही अद्भुत रूप में चैतन्य भागवत समाप्त हो गया। एक आश्चर्य चीज है, पूरा एक बीच में उसी डेट में जिस दिन गुरुदेव गए उस दिन से शुरू किया और जिस दिन गुरुदेव आने वाले थे उससे एक दिन पहले ही चैतन्य भागवत समाप्त हुआ। पहले तो हम चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य सुने हैं लेकिन जिस प्रकार हमने गुरुजी के मुखारविंद से प्रभुपाद के टीका प्रभुपाद के विचार के ऊपर हमने श्रवण किया वो आज तक हमने कभी भी इस प्रकार का श्रवण नहीं किया। तो अभी जिस प्रकार प्रभुपाद के विचार के ऊपर हम थोड़े दृष्टिपात करेंगे तो महाप्रभु तो खीर समुद्र में सो रहे थे, अद्वैत आचार्य उनको देखे और अद्वैत आचार्य किस प्रकार जल और तुलसी जल और गंगा जल को हाथ में पकड़ के महाप्रभु को आमंत्रित किया, महाप्रभु को स्तुति किया कि तुलसी जल मात्रे न जल से चलो के विक्रत सोमात्मा भक्ते भक्त वशरा, कि इन्होंने शास्त्र में हर शास्त्र के जो सार के देखा कि तुलसी जल को लेके अगर हम ठाकुर जी के सामने अगर ठाकुर जी को प्रेम से भी प्रदान करेंगे तो ठाकुर जी विक्रत सोमात्मनम कि इतना ठाकुर जी को प्रिय है गंगा जल और तुलसी दल तो ठाकुर जी अपने आत्मा को भी बिक्री करने के लिए भागे आ जाते हैं। तो इसके ऊपर इससे पहले भी कई आचार्य हुए और ठाकुर जी को तुलसी दल प्रदान किए। इसमें प्रभुपाद में एक विचार बता रहे हैं कि तुलसी दल तो हम भी प्रदान करते हैं गंगा जल तो हम भी प्रदान करते हैं लेकिन हमें क्या दोष हो जाता है कि ठाकुर जी आते नहीं, हम तो हर रोज सालग्राम शिला प्रभु को स्नान अभिषेक करवाते हैं तुलसी दल चंदन इत्यादि इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर पकवान बड़े सुंदर सुंदर उपद्रव लेके ठाकुर जी को सेवा करते हैं लेकिन ठाकुर जी आते नहीं। तो इसमें विचार बता रहे हैं कि किस प्रकार का अद्वैत आचार्य ने उनको किस प्रकार का उनका भाव था। तो एक समय स्वामी महाराज जी विदेश पे इसका एक दृष्टिकोण है, एक समय स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार कर रहे थे और विदेश में प्रचार करते हुए इनको एक लेडी एक नवजुवा जो देखते हैं ना कि कहीं से साधु आ गया उनके पास चले गए स्वामी महाराज जी के पास और बोल रहे हैं कि जिस समय स्वामी महाराज प्रचार कर रहे थे ना तो बोल रहे हैं कि आप कृष्ण आप क्या इसको हरिनाम भजन करते रहते हो। तो स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि हम कृष्ण के भजन करते हैं जो कृष्ण
जो अनादि राधि गोविंद है, सबके ईश्वर है और कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड है, वो सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण साक्षात भगवत तत्व है। ये बात जब उन्होंने सिद्धांत के बारे में बताया, कुछ चीज बताया, तो वो लेडी बोलती है कि आपकी जो कृष्ण है वो हो को नहीं और नहीं को हो कर दे सकते हैं, क्योंकि भगवत तत्व जो है वो क्या करते हैं, जो होनी को नहीं और नहीं को हो कर सकते हैं। तो आपके कृष्ण ये सब कि आपके कृष्ण हो को नहीं और नहीं को हो कर सकते हैं, तो एक चीज नहीं को है।